नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नितिनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राध वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो हरे कृष्णा। श्रील सनातन गोस्वामी की जय। तो हम लोग श्रील सनातन गोस्वामी की चर्चा कर रहे हैं। कल हम लोगों ने क्या सुने, किस प्रकार से दक्षिण भारत के सारस्वत ब्राह्मण के दो लड़के नवाब हुसैन शाह के पास वो मंत्री के रूप में कार्यरत होते हैं। उनकी विचक्षण बुद्धि को देखकर नवाब हुसैन शाह उन्हें अपने कार्य में रख लेते हैं। हालांकि ये दोनों भाई हृदय से भगवान श्री कृष्ण की भक्त थे। स्वप्न में एक ब्राह्मण जो श्रीमद् भागवतम का भेंट दिया था सनातन गोस्वामी को, वही ब्राह्मण सुबह उठकर रियल में लाकर भागवत दिया। उस दिन से सनातन गोस्वामी भागवत को अपना प्राण के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी बार सनातन गोस्वामी को यह फिर से सपना होता है कि इस बार सपने में स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु गौरांग के रूप में वो दर्शन देते हैं। ऊर्ध बाहु होकर भगवान कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए और नृत्य कीर्तन और प्रेमाश्रुओं की धाराओं के द्वारा वो विभूषित हो रहे थे और वो दृश्य सनातन गोस्वामी को सपने में दर्शन देते हैं। यह बात जब वे रूप गोस्वामी से कहते हैं, फिर रूप गोस्वामी कहते हैं कि हाँ स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम अभी यहाँ पर आए हैं। फिर उन लोगों ने चैतन्य महाप्रभु को चिट्ठी लिखते हैं कि हम आपकी सेवा में आना चाहते हैं, भौतिक परिवार को भौतिक संसार को छोड़कर चैतन्य महाप्रभु उनके वहीं पर रहकर सेवा करने के लिए बोलते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी और जगन्नाथपुरी दक्षिण भारत की यात्रा होने के बाद जब वृंदावन जाने के लिए प्रयास करते हैं, उस समय वो अपने सही रास्ता वृंदावन का छोड़कर वो बंगाल होते हुए और रामकेली में आकर पहुँचते हैं जहाँ पर सनातन और रूप रहते थे। वहाँ पर वो कीर्तन करने के बाद नवाब हुसैन शाह को भी ये पता लगता है कि स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण या उनके आल्ला ही है। और रूप और सनातन गोस्वामी जो पहले साकर मल्लिक सनातन गोस्वामी, दबीर खास रूप गोस्वामी और उनका भाई अनुपम, ये तीनों लोगों ने मध्यरात्रि के समय चैतन्य महाप्रभु से मिलने आते हैं। और सबसे पहले वो नित्यानंद प्रभु और हरिदास से मिलते हैं और हरिदास से मिलने के बाद चैतन्य महाप्रभु से भेंट कराने के लिए मांग करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु से मिलने के बाद वो बहुत ही काकुती मिन्नती होकर और दांत में एक घास के टुकड़ा लेकर वो प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के उपरांत श्री चैतन्य महाप्रभु उन दोनों भाइयों को उठाते हैं और दोनों भाइयों को दीक्षा प्रदान करते हैं। रूप और सनातन और अनुपम करके तीनों भाइयों का नाम रखते हैं। और नाम रखने के बाद वो कहते हैं, आप मेरे नित्य शाश्वत सेवक हैं, आप लोग चिंता ना करें, यह कृष्ण निश्चित आपके उद्धार करेंगे। और वहाँ पर रह के अपना कार्यभार संभालने के लिए वो कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु रामकेली गाँव से वृंदावन न जाते हुए जगन्नाथपुरी वापस चले जाते हैं। और हमने साथ साथ में कल ये भी सुना किस प्रकार से नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी जो श्री चैतन्य महाप्रभु को मन में यानी वो अपने मन के द्वारा भगवान की सेवा मानसिक सेवा करते थे, उनका रूप को सवार रहे थे और वो उनका जो प्रेडिक्शन है वो सत्य निकला। सभी भक्त लोग आश्चर्य हो गए जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी वापस आते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कल सुने थे ना, है ना? तो यहाँ से हम आगे सुनते हैं, ठीक है? सो श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जाने के उपरांत यहाँ पर श्री रूप और सनातन गोस्वामी अपना कार्यभार संभाल रहे थे नवाब हुसैन शाह के।
मगर उनका मन वहाँ पर लग नहीं रहा था। स्वाभाविक, एक बार जो श्री भगवान से मुलाकात कर चुके हैं, जिनको भगवान का दर्शन का, भगवान का कीर्तन का, भगवान का गुणों का जो टेस्ट है, भक्तों के साथ कीर्तन करने का जो जो मिठास है, जो टेस्ट है, वो प्राप्त हो जाता है, वो भला किस प्रकार से वो भौतिक संसार में टिक पाएगा। एक बार जिस व्यक्ति को भागवत के प्रति रुचि हो जाती है, एक बार जिस व्यक्ति को भगवान के प्रति रुचि हो जाती है, एक बार जिस व्यक्ति को वैष्णव की संगति की रुचि हो जाती है, एक बार जिस व्यक्ति को भगवान की सेवा करने की टेस्ट लग जाता है, वो व्यक्ति भगवान को छोड़कर, भक्तों को छोड़कर, भगवान की सेवा को छोड़कर, कथा कीर्तन को छोड़कर, भागवत श्रवण को छोड़कर, वो भौतिक संसार में कभी भी नहीं रह पाएगा, वो बिलबिला जाएगा। श्री कृष्ण भी उसी प्रकार से है, वो कोई भी कभी भी कोई भी अपना भक्त को कभी छोड़ते नहीं है। मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ इस प्रकार से, श्री मैं बाद में उदाहरण बताऊँगा। श्री सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को अब ये जो नवाब हुसैन शाह के पास जॉब करना या नौकरी करना उनको जम नहीं रहा था, और हर हाल में अपना इस भौतिक परिस्थिति को त्याग कर श्री भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शरण में चले जाने के लिए हमेशा व्यति व्यस्त हुआ करते थे। तो एक समय की बात है, रूप गोस्वामी विचार किए, अभी हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे, आगे हम निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु के शरण में चले जाएंगे। यह विचार करके उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया और वो ब्राह्मणों को बोले हमारे लिए सेवा, भगवान जी की यज्ञ पूजा इत्यादि करने के लिए, और वो खुद भी उनके जो मदन मोहन जी के जो विग्रह था, वो मदन मोहन जी के विग्रह का बहुत ही कड़ाई से उपासना किए और भागवत श्रवण किए, और हमेशा ध्यान में रखे कि किस प्रकार से वो इस ये जो सांसारिक कार्यकलापों को छोड़कर भगवान के सेवा में जाएंगे। इस प्रकार से अनुपम और रूप, यानी रूप गोस्वामी और अनुपम, ये दोनों लोग पहले प्लान किए। उनका जितना भी संपत्ति था रूप गोस्वामी का, उन सारा संपत्ति को इकट्ठा करके अपने गांव जाते हैं जहाँ पे उनके रिलेटिव्स वगैरह थे, उसमें से वो सारा संपत्ति को सब लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अभी याद करो उनका संपत्ति, स्वाभाविक रूप से इनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति था, क्योंकि ये राजा के पास कोई एक सैनिक के रूप में नहीं, असलत में ये मंत्री के रूप में कार्य करते थे। ये तो फाइनेंस इत्यादि संभालते थे और सनातन गोस्वामी तो प्रधानमंत्री थे, तो ये मंत्री होने के नाते, फाइनेंस इत्यादि ये बड़े बड़े ऊँचे पदवी में रहने के नाते, इन लोग के पास बहुत सारा संपत्ति था। तो इन सारा संपत्ति को लेकर श्रील रूप गोस्वामी अपने गांव जाकर, वो उसमें से 50% संपत्ति को उन्होंने क्या किया, वैष्णवों में जो भगवान के भक्त हैं, जो ब्राह्मण है, उन लोगों में ये सेवा कर दिया। 50% जो उनका संपत्ति है, और 25% संपत्ति जो है, 25% जो उनका धन है, उसको उन्होंने अपने परिवार वर्गों को जो है उन लोगों में बांटा, और 25% धन को उन्होंने इमरजेंसी के लिए जो है उन्होंने रखा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं रूप गोस्वामी अपने आचरण के द्वारा ये हर एक गृहस्थ को भी ये शिक्षा देना चाहते थे कि एक गृहस्थ व्यक्ति जो असलियत में पैसा धन कमाता है, व्यापार करता है, नौकरी करता है, उसके धन को इस प्रकार से आवंटन करना चाहिए। अभी ये सुनकर अभी लग सकता है ये तो इम्प्रैक्टिकल बात है, प्रभु जी कैसे ऐसे हो सकता है कि हमारे पगार का, हमारे मुनाफा का हम 50% जो है ना भक्तों को दे देंगे। ये आप लोगों ने बड़ा सेटिंग लगाया है, प्लानिंग किया हुआ लोगों से, ऐसे भी लॉकडाउन के चक्कर में सब लोग परेशान हैं हम लोग, और आप बोल रहे 50% दे दो। भाई ये 2 महीने का ना पहले सैलरी तो मिले, फिर देखेंगे नित्य सेवा देंगे कि नहीं देंगे, है कि नहीं। मगर उस समय यही शिक्षा है, देखो भक्तों जो गृहस्थ होते हैं ना, ये गृहस्थ भक्तों का बहुत जिम्मेदारियाँ होता है, शास्त्र में बताया गया और आप लोगों को भी मालूम होगा। जो गृहस्थ होते हैं वे अपने माता पिता, अपने परिवार को संभालते हैं, साथ साथ में पत्नी को, अपने परिवार को संभालते हैं, और पत्नी के परिवार को संभालते हैं, अपने सोसाइटी को संभालते हैं, रिश्तेदारों को संभालते हैं, और देश को संभालते हैं। ये सारे जिम्मेदारियों को करने के उपरांत साथ साथ में उनको और क्या क्या जिम्मेदारी मालूम है, अगर कोई उनको बाहर कोई भूखा व्यक्ति न रह जाए उसको भी उनको ध्यान रखना पड़ता है, और इन सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो सन्यासी हैं, जो वानप्रस्थ हैं और जो ब्रह्मचारी है,
ये तीनों जो आश्रम है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यास, ये तीनों आश्रम का देखरेख करने की जिम्मेदारी जो है वो गृहस्थ का होता है। गृहस्थ व्यक्ति ही सन्यासियों का देखरेख, ब्रह्मचारियों का देखरेख और वानप्रस्थों का भी देखरेख करता है, क्योंकि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी ये तीनों व्यक्ति कभी भी काम नहीं करते हैं अपने पेट का भरण पोषण करने के लिए। ये लोग हमेशा कृष्ण के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसलिए जो कृष्ण के अच्छे भक्त होते हैं, जो गृहस्थ होते हैं, ये लोग ब्रह्मचारियों का, वानप्रस्थों का और गृहस्थों का देखरेख करने का जिम्मा को अपने सर पे लेते हैं। तो देखो कितने सारे जिम्मेदारी हो गया। अपना परिवार खुद का संभालो, अपने माता पिता को संभालो, साथ साथ में अपने सास ससुर के परिवार को संभालो, सोसाइटी को संभालो, देश के नियम, कंपनी के नियम, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल और सोसाइटी के रिलेशंस, ये सब के साथ साथ अभी हरे कृष्ण वालों को भी संभालो, ब्रह्मचारियों को भी संभालो। इतने सारे जिम्मेदार, और केवल उतना ही नहीं, ये सब संभालने के बाद भी 16 माला करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं प्रभु जी हम कितना सारा संभाल रहे तो हम 16 माला से थोड़ा कम कर लें क्या? हाँ ना 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 ना, 16 माला करना पड़ेगा। वो मंगल आरती वही 4:30 बजे का है, और वही दर्शन आरती है, वही गुरु पूजा है, वही भागवत पढ़ना है, वही गीता पढ़ना है, वही भक्ति शास्त्री करनी है, सब कुछ वही, मगर जिम्मेदारी ज्यादा है। और ब्रह्मचारी को देखो, सुबह उठेगा, स्नान करके सीधा जाएगा, आरती शुरू करेगा भगवान का, और मंगल आरती संसार दावानल गाएगा। संसार दावानल खत्म हो गया, बैठ के जपा करेगा। जब खत्म होते होते उसके पास थाली में भागवतम क्लास, गुरु पूजा, भागवतम क्लास, भागवतम क्लास खत्म होते होते उसके पास थाली में प्रसाद आ जाना चाहिए। प्रसाद बन के रेडी रहेगा उधर, और खाने के बाद फिर से क्या करेगा? फिर किताब लेके बैठ जाएगा, शाम को प्रवचन दूंगा, उसके लिए पढ़ाई करूंगा है कि नहीं? और कहीं ना कहीं प्रवचन देने के लिए जाऊंगा, और कुछ काम नहीं उसका। और किसी किसी को बोलेगा फोन करके, या जाके थोड़ा दान दक्षिणा दो मंदिर में, ऐसा करके बस ये कार्य है। मगर अगर एक गृहस्थ व्यक्ति को देखो, इतनी सारी चिंताएं। इसलिए मैं तो हमेशा गृहस्थ व्यक्ति को देखता हूँ तो उनके चरण छूने के लिए मन होता है, क्योंकि वो 16 माला करते हैं, वो अपना जॉब करते हैं, और जॉब का टेंशन, घर में बीवी का टेंशन, फिर बाद में परिवार का टेंशन, इतना सारा टेंशन ले लेके 16 माला भी करना रहता है उन लोगों को, भागवत भी पढ़ना रहता है, भक्ति शास्त्री करते हैं, क्या क्या करते हैं, बाप रे बाप। तो सोचो अभी इसमें ग्रेट कौन है? हाँ गृहस्थ लोग हैं। गृहस्थ लोगों का जो है ना देन जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है असलियत में। मानना पड़ेगा उन लोगों की सर्विस को। कई बार कभी कभी कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ब्रह्मचारी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो लोग परिवार को छोड़ के, ये छोड़ के, वो छोड़ के आ गए। और कुछ लोग बोलते नहीं गृहस्थ श्रेष्ठ है, कुछ लोग बोलते नहीं सन्यासी श्रेष्ठ है। असलियत में ये सब तो, असलियत में श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार ये कोई श्रेष्ठ नहीं है, ये सब तो तुच्छ है। एक ही चीज़ की ध्यान रखना चाहिए। हाँ श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हमारा परिचय जो है, गोपी भरतूर पदकमलयोर दास दासानुदास। हम श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार हम सभी लोग कौन है? गोपियों की भरण पोषण करने वाले कृष्ण के दास के दास के दास है। ना हम विप्र, न च नरपते, ना ना हम वर्णी, न च ना हम वर्णी, न च नरपते, ना वनस्थ यतिर्वा। मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं वानप्रस्थ नहीं हूँ, और मैं सन्यासी नहीं हूँ। मैं ना तो ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ। मैं तो गोपियों के भरण पोषण करने वाले कृष्ण के सेवकों के सेवकों के सेवक हूँ। ये हमारा परिचय है। इसलिए गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ ऐसा कुछ नहीं, और ब्रह्मचारी श्रेष्ठ है, गृहस्थ श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं। ऐसे अगर देखा जाए तो मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ वैसे तो गृहस्थ कितना श्रेष्ठ है, बेचारे उनके पास कितनी जिम्मेदारियां हैं। इसलिए रूप गोस्वामी क्या किए, अपने संपत्ति को उन्होंने 50% संपत्ति जो है वो वैष्णवों में बांट दी, और 25% अपने परिवार के लिए, और 25% इमरजेंसी के लिए रखे। इस प्रकार से नाव भर के उनके पास संपत्ति था, वो सबको ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो भी गोल्ड कॉइन्स। हाँ अभी के जैसे वो प्रोमिसरी नोट्स नहीं थे कागज के, जिसमें लिखा हुआ रहेगा मैं धारक को 100 रुपया देने का आदा करता हूँ, और आपको कागज लेके जाएंगे 100 गोल्ड कॉइन दीजिए, देगा क्या रिजर्व बैंक अपने को? वो देगा ही नहीं, वो ऐसे ही लिख के रखा है उसमें। तो ऐसा नहीं, गोल्ड कॉइन्स था उस समय है ना, ओरिजिनल, तो वो रियल करेंसी हुआ करता था। अभी तो कागज को करेंसी बना दिए हैं, चलो वो तो इकोनॉमिक वाला बात है। तो बांट दिए, और बांट के दो मैसेंजर को, दो दूतों को जगन्नाथपुरी भेजे रूप गोस्वामी। किसके लिए?
ये खबर लाने के लिए कि चैतन्य महाप्रभु का शेड्यूल क्या है, श्री चैतन्य महाप्रभु कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, ताकि उसी हिसाब से हम चैतन्य महाप्रभु के साथ जाकर मिल सकते हैं। इसलिए दो लोग को खबर लाने के लिए भेज दिए पूरी, और इन्होंने अपने गांव में जाकर संपत्ति बांट दिए, और बांट के आए तब तक जगन्नाथ पुरी जाकर जो खबर लेके जो खबर भाई लेकर आ गया, और उन्होंने बताया श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के लिए निकल गए जगन्नाथ पुरी से। ये खबर मिलते ही रूप और अनुपम ये दोनों लोगों ने वो राम के लिए छोड़ दिए और एक लेटर लिख दिया सनातन गोस्वामी को, बोले हम दोनों वृंदावन जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, आपको जैसे ही मौका मिलेगा आप भी ये नौकरी छोड़ देना भाई और आ जाना सीधा वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, और हम दोनों पहले जा रहे हैं। ऐसे करके वो दोनों निकल गए, और उसमें ये भी लिखा था मैं आपके इमरजेंसी के लिए 10,000 सोने की मुद्रा गोल्ड कॉइन्स जो ना मैं जमा रखा हूँ एक जगह, आप उसको यूज कर लेना अगर जरूरत पड़ी तो। ऐसे करके रूप गोस्वामी और अनुपम चले गए। चले जाने के बाद सनातन गोस्वामी देखे अरे रूप गोस्वामी चले गए और उनका एसोसिएशन और है नहीं उनके। अभी सोचो ना, दोनों भाई कृष्ण को इतना प्रेम करते थे, चैतन्य महाप्रभु को इतना प्रेम करते थे, और रूप गोस्वामी चले गए, तो अभी सनातन गोस्वामी सोचे कि मैं क्या करूँगा। उनको बहुत अच्छा नहीं लग रहा था काम पर जाने के लिए, दरबार में जाने के लिए। तब उन्होंने क्या किए, बहाना मार दिए, चिट्ठी लिख के भेज दिए नवाब के पास कि मेरा हेल्थ खराब है और मेरा तबीयत खराब हो गया है, इसलिए मैं अभी सेवा में नहीं आ सकता, काम में नहीं आ सकता, जॉब में। तो ये सुन के एक दिन दो दिन एक हफ्ता दो हफ्ता देखा, और नवाब हुसैन साहब सोचा अरे इतना दिन तक इसका तबीयत कैसे खराब हो गया। तो उन्होंने बोला कि अरे इतना ये लोग बहुत मदद करते हैं मेरे को, अगर ये लोग नहीं आएंगे तो मेरा राज्य ही ठीक से नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने क्या किए, सरकारी डॉक्टरों को, सरकारी डॉक्टरों को जो है उन्होंने भेजा, सरकारी डॉक्टरों को कहाँ भेजे, सनातन गोस्वामी का ट्रीटमेंट करने के लिए। तो सनातन गोस्वामी का ट्रीटमेंट करने के लिए सरकारी डॉक्टर आते हैं। जब ये सरकारी डॉक्टर आकर देखते हैं सनातन गोस्वामी तबीयत क्या खराब होगा, वो तो बैठे हुए हैं और बहुत सारे साधु संत ब्राह्मण बैठे हुए हैं और सब लोग मिलकर भागवत खोल कर बैठे और भागवत की डिस्कशन चल रहा है, कृष्ण कथा हो रही है। और ये सारे जो वैद्य हैं उस समय सरकारी डॉक्टर मतलब वैद्य, वो वैद्य लोग क्या किए, रिटर्न जाके नवाब हुसैन शाह को बोल दिए कि अरे वो जो साकर मल्लिक है वो असलियत में कोई तबीयत खराब नहीं है, वो तो बैठ कर अपना कुछ पढ़ाई कर रहा है और सभी कई लोगों के साथ बैठा हुआ है। तो फिर नवाब हुसैन शाह खुद जो है वो सीधा आ गए वहाँ पर, जहाँ पर इन्होंने एक बहुत सुंदर सा महल बनाया था जहाँ पर भागवत पढ़ने के लिए बैठकर वहाँ पर सीधा आ जाते हैं। तब देखते हैं सनातन गोस्वामी जो है वहाँ पर बैठकर भागवत पढ़ रहे थे, उन सभी लोगों के साथ बैठकर भागवत पढ़ रहे थे। तो इसको देखकर वो नवाब हुसैन साहब बहुत क्रोधित हो गए। नवाब हुसैन साहब बोले कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं, हम उड़ीसा आक्रमण करने के लिए जाने वाले हैं और आपके बिना हम कैसे जाएंगे, आप हमारे छोटे भाई के जैसे हैं, आपको चाहिए कि आप राज्य संभालें ताकि हम जाकर वहाँ पर कुछ ये कर दूसरे दूसरे राज्यों को जीत सकते हैं, और आप यहाँ पर आकर कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, आप सेवा में नहीं आ रहे हैं, आपका छोटा भाई तो ऐसे ही ठग के चला गया मुझे, मैंने आप लोगों पर इतना विश्वास और इतना भरोसा किया और आप लोग इस प्रकार से धोखा दे रहे हैं मेरे साथ। इस प्रकार से बहुत सारे बातें जो है नवाब हुसैन साहब उनको बोले, और उनको बोले मैं आपका बड़ा भाई जैसा हूँ, आपको समझ नहीं रहा है, मैं तो ये राज्य नहीं चलाता हूँ, आप लोग को मैंने पूरा छूट दे के रखा हूँ राज्य चलाने के लिए और आप लोग नहीं आ रहे हैं, ये कैसे चलेगा। इस प्रकार से सब बोले। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि महाराज असलियत में मैं अभी जॉब नहीं करना चाहता हूँ, मैं आगे आपका सेवा में नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मुझे कुछ और करना है। इस बात को सुन के नवाब हुसैन साहब बहुत क्रोधित हो गए, एकदम से क्रोध में लाल पीले हो गए। वह कहे आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप कैसे हमें धोखा दे सकते हैं, आपको सेवा में आना ही पड़ेगा, अगर नहीं तो मैं निश्चित रूप से आपको दंडित करूँगा। ये सुन के सनातन गोस्वामी नम्रता के साथ हाथ जोड़ के कहते हैं महाराज आप भगवान के प्रतिनिधि है क्योंकि आप राजा है, आप चाहे मुझे कोई भी दंड दे दें मगर मैं आप के काम पे या सेवा में नहीं आ पाऊंगा। ये बात को सुनकर नवाब हुसैन शाह उनके सैनिकों को आदेश देते हैं कि ये साकर मल्लिक को बंदी बना लो,
तो तुरंत ही सागर मलिक को क्या किए, जो सनातन गोस्वामी, उनको बंदी बना दिया गया और कारागार में डाल दिए। और नवाब हुसैन साहब भी उड़ीसा आक्रमण करने के लिए चले गए, तो उड़ीसा आक्रमण करने के लिए चले गए, इधर सनातन गोस्वामी जेल में है। और ये खबर जो है रूप गोस्वामी को मिला, रूप गोस्वामी फिर से एक चिट्ठी लिखे शॉर्टकट में, हम वृंदावन जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए, महाप्रभु अभी वृंदावन में है और आप भी जल्दी आ जाना, मदद के लिए एक ग्रोसरी के दुकानदार के पास, बनिया के पास मैं 10,000 सोने का सिक्का रखा हूँ, आप उसको यूज करके निकल जाओ वहाँ से, आप यूज कर लेना। तो ये खबर मिलने के बाद सनातन गोस्वामी सोचे कैसे जाएंगे, उनका जेल जो जेल के जो सुपरटेंडेंट थे वहाँ पे, हाँ वो भी स्वाभाविक बात है मुसलमान है, वो उनको बुलाए सनातन गोस्वामी और उनसे बात किए। और अभी सोचो तो पहले से विद्वान, बुद्धिमान और बहुत चालाक, नहीं तो मंत्री पदवी को कैसे संभाल सकते हैं। उन्होंने बहुत प्रेम से उनसे बात किए, बहुत देर बात करते करते उनको बोले, अरे आपके बातों से ऐसा लग रहा है और मैं देख रहा हूँ आप बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति है, मैं जानता हूँ आप अल्लाह को बहुत मानते हैं और आपके दिल में ख्वाहिश भी है कि जीवन में एक बार मक्का मदीना जाना चाहते हैं, मगर आपको सुविधा नहीं मिल पा रहा है, पैसा नहीं हो पा रहा है, आप बड़े पीर हैं, पीर कुछ कहते हैं ना उनके जो मौलवी हैं, फिर भी आप ये कार्य कर रहे हैं, आप मौलवी के जैसा आपके पास जो है ज्ञान है, भक्ति है अल्लाह के प्रति, ये सब बोल के तो वो जो जो कारागार का जो अधिकारी था, जेल का जो सुपरटेंडेंट थे, उनको बहुत अच्छा लगा, हाँ हाँ मैं बहुत बड़ा अच्छा आदमी हूँ, मैं बहुत पायस पर्सन हूँ। और बोलते देखो मैं भी ये काम काज छोड़ के भगवान के मक्का मदीना ही जाना चाहता हूँ, हमारे मक्का मदीना जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आप जेल से छोड़ दो, क्योंकि मैं भी आपके भक्ति करना चाहता हूँ, और आप देखो मुझे छोड़ दोगे तो आपको भी अल्लाह का कृपा मिलेगा। तो ऐसे बहुत बहुत बताए उनको। तो ये सुनकर वो जेल जेल का जो सुपरटेंडेंट वो कहते हैं, वो तो ठीक है मगर नवाब मुझे छोड़ेगा थोड़ी, नवाब मुझे पकड़ लेगा तो मैं क्या बोलूँगा। बोले कि देखो सबसे पहली बात तो ये है, मैं आपको 5,000 सोने का सिक्का देता हूँ आप मुझे छोड़ दोगे तो, और आप क्या करना, जॉब छोड़ के मक्का जाके एक बार आ जाना, जीवन में एक बार मक्का मदीना जाना चाहिए व्यक्ति को, हाँ यही जीवन का लक्ष्य होता है मुसलमानों का, मैं जानता हूँ, इसलिए मेरे पास पैसा है, तुमको मालूम है पहले मैं मंत्री था, और आप इस पैसे को रखो और मुझे छोड़ दो, जब भी नवाब पूछेगा बस बोल देना कि इनको शौच क्रिया करने के लिए बाहर लेकर गया था, और शौच क्रिया के बाद स्नान करने के लिए जब भी गंगा में उतरा और वो हाथ में तो बेड़ियाँ था और बेड़ियों के साथ गंगा में कूद गया तो हमने ढूंढा और मगर वो मिला नहीं, और वो पता नहीं कहाँ बह गया, मर गया होगा, ऐसे बोल देना। और उस टाइम पे तो सब लोग गंगा में ही जाते थे, कारागार में रहने वाले लोगों को भी गंगा में ले जाया करते थे सैनिक लोग, उनको मतलब शौच क्रिया इत्यादि करने के लिए। तो वो जो कारागार का जो अधिकारी था और सुपरटेंडेंट जेल का जो अधिकारी था वो मान गया और उनसे पैसा ले लिया, और पैसा लेके उनको छोड़ दिया सनातन गोस्वामी को। और सनातन गोस्वामी दौड़ते दौड़ते सही रास्ता ना पकड़ के कांटा पत्न जंगल पहाड़ के रास्ते पकड़ते एकदम सीधा दौड़ते 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 निकल गए वृंदावन जाने के लिए। उनके साथ एक और भक्त थे ईशान करके, जो सनातन गोस्वामी को असिस्ट करते थे। चलते 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 भगवान का नाम लेते लेते कहीं नहीं रुक रहे थे, कहीं कुछ खा नहीं रहे थे, कोई गांव में नहीं रुक रहे थे, उनका एक ही इच्छा था कि कैसे मैं वृंदावन पहुंचूंगा और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलूंगा। देखो उनका डेडिकेशन भगवान से मिलने के लिए, दो उनकी आतुरता है वो देखिए। वो अभी सोचो इतना बड़ा मंत्री के पदवी में, इतना ऐसा आराम की जिंदगी था, मगर उसको पूरा त्याग दिए केवल भगवान के भक्ति के लिए, भगवान के सेवा के लिए, भगवान के शरण में जाने के लिए, भक्तों के साथ रहने के लिए। उन्होंने पूरा छोड़कर ईशान के साथ दौड़ते 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 कई दूर चले गए, कुछ बिहार के जंगल पहाड़ी एरिया से होते होते जा रहे थे। एक जगह क्या हुआ, एक घना जंगल और पहाड़ी एरिया था, और वो पहाड़ी टापों में चढ़ रहे थे और जंगल वाला रास्ता था, समझ नहीं रहा था कहाँ जाना है, अंधेरा रात भी हो गया, बड़ा डरावनी भी लग रहा था। ईशान साथ में है तो उन्होंने देखे दूर से एक ऐसा कुटिया जैसा है, कुछ लोग वहाँ पर है, आग जल रहा है। तो उन सब लोगों सनातन गोस्वामी वगैरह वहाँ पर जाते हैं
और सोचते हैं कि रात को यहाँ रुक जाते हैं और सुबह उठ के हम फिर आगे चलेंगे। मगर वहाँ पे एक अद्भुत घटना हुआ। क्या हुआ था, एक्चुअली वो एक डाकुओं का टोली वहाँ पर रहते हैं। अगर उस जंगल के रास्ते से कोई भी व्यक्ति जाता है और उसको वो लोग मार के उसका संपत्ति लूट लेते हैं। और उनके पास एक स्पेशलिटी भी था। उनके पास स्पेशलिटी क्या था, असलियत में ये डाकुओं के पास एक ज्योतिषी था और डाकुओं के सरदार के पास एक ज्योतिषी था। वो ज्योतिषी क्या करता था, अपनी ज्योतिर्विद्या के द्वारा, अपने जो भी तंत्र विद्या के द्वारा, जो भी इधर से पथिक जो जाते हैं यात्री, उस यात्री के पास कितना रुपया है, क्या क्या संपत्ति है, वो बता देता था। और उसको लेकर इन लोगों ने उस यात्री को आक्रमण करते थे और पैसा लूट लेते थे। तो अभी ये जो सनातन गोस्वामी और उनके असिस्टेंट ईशान, उनके वहाँ पे रुके, उनको बोले कि हमको बहुत दूर जाना है वृंदावन और हम रात्रि यहाँ पर जापन करना चाहते हैं और अंधेरा हो गया, हम सुबह उठ के चले जाएंगे। ये बात को सुन के उन सभी लोगों ने जो है ना बहुत उनका देख रेख किए, उनको रहने के लिए दिए, खाने के लिए दिए, पानी पूछ रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए क्या चाहिए, हाँ जी आप तो हमारे अतिथि हैं, हाँ जी आप तो हमारे गेस्ट हैं, हम तो सब कुछ करेंगे आपके लिए, ये वो सब बता रहे थे। तो ये सब सुन के सनातन गोस्वामी को डाउट होने लगा। सोचो, तो मंत्री थे, साधारण व्यक्ति नहीं। वो तुरंत समझ गए, अति भक्ति चोरेर लक्षण, ऐसा कहा गया है कि जो ज़्यादा भक्ति दिखाता है, सोबाजी करता है, तो कुछ ना कुछ जो ना ठग है वो। सनातन गोस्वामी समझ गए, तो ज़्यादा भक्ति कर रहे हैं लोग, इतना संत की सेवा, इतना सेवा करने के लिए पथिक की क्यों तत्पर रहते हैं, इसका मतलब है हमसे ये लोग कुछ चाहते हैं। सनातन गोस्वामी बोले कि हमसे क्या चाहते होंगे, हम तो एकदम से भिखारी जैसा है। ईशान से पूछे, ईशान क्या आपके पास कुछ पैसे हैं क्या? ईशान बोलता है कि हाँ, मेरे पास 8 सोने की मुद्राएं हैं। रूप सनातन गोस्वामी बोलते कि इसीलिए वो लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो बोलते लाओ, वो एक्चुअली उन्होंने 8 नहीं बताया, 8 सोने का मुद्रा था, मगर ईशान ने बोला कि मेरे पास 7 सोने की मुद्राएं। बोले कि लाओ लाओ सब दे दो। तो सारे सोने की मुद्राएं जो है ना वो लेकर, वो जो डाकुओं का जो सरदार है उनको लेकर सनातन गोस्वामी दे दिए। बोले कि हाँ जी देखिए, हमारे पास ये सोने की मुद्राएं हैं, आप इसको रख लीजिए, आप बहुत सेवा कर रहे हैं ऐसा। तो बोला कि ओ थैंक गॉड, आप कितने अच्छे आदमी हैं, हम ना प्लानिंग किए थे आज रात को आपको मारने वाले थे, क्योंकि हमको पता लग गया था कि आपके पास कुछ धन है और उस धन को प्राप्त करने के लिए हम आपको मार के वो धन लेने वाले थे, मगर देखो भगवान की अरेंजमेंट कि आप पहले से हमको ये धन ला के दे दिए। मगर मैं आपकी इस नम्रता और त्याग के प्रति बहुत मतलब खुश हो गया हूँ इस त्याग को देखकर, मगर मैं चाहता हूँ कि ये संपत्ति जो है आप अपने पास ही रखिए, हमको नहीं चाहिए और हम आपकी सेवा करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार से वो चोर के जो सरदार है वो कहते हैं। मगर सनातन गोस्वामी कहते हैं, देखिए महाशय, अगर आप नहीं लेंगे, आगे जाके कोई और व्यक्ति हमको मार के हमसे ये संपत्ति ले जाएगा, इसलिए बेस्ट हैं कि आप ही इस संपत्ति को रखिए, मगर इसके बदले में हमको थोड़ा मदद भी करिएगा। तो वो पूछते हैं कि क्या मदद करना है ना इसके बदले में, ये जो पहाड़ी रास्ता है, जंगली रास्ता है, हमको पता नहीं है ये रास्ता, आप कृपया हमको सुबह ये रास्ता पार कराने के लिए इंतज़ाम कर दीजिएगा। वो सरदार जो है चोरों का, वो बड़ा खुश हो जाता है, अभी बहुत बिना चिंता के सब लोग सो जाते हैं। सनातन गोस्वामी, ईशान और सब लोग सो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं। सुबह उठ के वो जो सरदार है वो खुद ही 2 लोगों को भेजा सनातन गोस्वामी के साथ पहाड़ी रास्ता, जंगली रास्ता को पार कराने के लिए। तो उन लोगों ने सनातन गोस्वामी को लेकर सुबह सुबह निकल पड़े और चलते 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 वो जंगली घना रास्ता, पहाड़ी रास्ता को पार कर गए। पार करने के बाद वो जो छोड़ने के लिए गए थे वो लोग वापस जा रहे थे, तभी सनातन गोस्वामी ईशान से पूछते हैं, ईशान क्या अभी भी आपके पास कुछ रखे हो? ईशान कहता है कि हाँ, मेरे पास 1 रुपये हैं, 1 रुपया और है सोने का। तो फिर सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अरे क्यों आप ये मृत्यु को साथ में लेके चलते हो, ठीक है कोई बात ना, आप इसको अपने पास ही रखो और आप घर वापस चले जाना, और घर वापस जाके अपना भक्ति वहाँ पर करना और मुझे अकेले जाने दो यहाँ पर, क्योंकि आप परेशान हो गए। इस प्रकार से ईशान को वापस भेज देते हैं। ईशान वो 1 रुपया लेके वो वापस चला जाता है उन लोग के पास और गांव चला जाता है।
फिर वहाँ से सनातन गोस्वामी चलते 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 हाजीपुर नामक एक जगह है, वो वहाँ पर जाकर पहुँचते हैं। हाजीपुर जो है, ये असलियत में हाजीपुर में, हाजीपुर एक गांव है, और हाजीपुर में उनका ब्रदर इन लॉ सनातन गोस्वामी का जो है वो वहाँ पर रहते थे। वहाँ पर एक लोकल राजा के पास वो नौकरी करते थे। घोड़ों के व्यापार, घोड़ों को खरीदने के लिए आए थे बाज़ार में, और बाज़ार में, हाजीपुर के बाज़ार में घोड़ा खरीदने के लिए आए थे। तभी उनके पास बहुत पैसा भी था, और वो सनातन गोस्वामी को मिलते हैं। वो आश्चर्य हो जाते हैं सनातन गोस्वामी को, इस प्रकार से फटा हुआ कपड़े है, एकदम जीर्ण शीर्ण, धूल धूसर, बिना स्नान किए, खाए पिए बिना, ऐसे देखकर बहुत आश्चर्य हो जाते हैं। और पूछते हैं उनको, और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कुछ दिन यहाँ पर रुक जाओ, अच्छे से खा पी लो, अच्छा कपड़ा पहन लो, थोड़ा रेस्ट ले लो, और रेस्ट लेने के बाद फिर भगवान की सेवा में भले जाओ। तो जिस प्रकार से हनुमान जी को मैनाक पर्वत ने रेस्ट लेने के लिए बोला था, लंका जाते समय हनुमान कहे कि अभी विश्राम करना मेरे लिए पाप के बराबर होगा, क्योंकि मैं कि राम की सेवा में जा रहा हूँ, श्रील सनातन गोस्वामी ने स्वीकार नहीं किया हाजीपुर में रहने के लिए। उन्होंने उनके दामाद को कहे कि नहीं, हमको चैतन्य महाप्रभु से हर हाल में और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भेंट करनी है। मैं तो एक चैतन्य महाप्रभु से मिले बिना मैं एक क्षण भर भी यहाँ रुकना चाहता हूँ, ना कुछ आराम की ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मैं भगवान श्री चैतन्य से मिलूँगा। ये आतुरता भगवान से मिलने के लिए, इस प्रकार से आतुरता पता नहीं कब हमारे हृदय में होगा, ताकि हम भगवान की एक सेवक कहलाने के लिए योग्य बन पाएंगे। तो श्रील सनातन गोस्वामी वहाँ से चले जाते हैं। तो अंत में उनके दामाद जो है, श्रीकांत नाम था उनका, वो कहता है कि एटलीस्ट ये ब्लैंकेट तो रखिए साथ में करके, एक नया एकदम बहुत ही महंगा ब्लैंकेट को खरीद के उनको दे दिए। तो कंधे में डाल दिए, क्योंकि खाली ऐसे ही निकल गए थे। तो ब्लैंकेट को ओढ़कर वो सीधा आगे चलते 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 निकल गए। वो जाते जाते सनातन गोस्वामी जाकर पहुँचते वृंदावन के रास्ते में पहुँचने के लिए, वो जाकर पहुँचते हैं बनारस। बनारस जानते हैं ना, यूपी में वाराणसी है ना, तो वाराणसी में जाकर पहुँचते हैं। वाराणसी में जाकर जब भी पहुँचते हैं, वाराणसी में पता लगता है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाकर कुछ दिन वहाँ पर रुक के वो वापस भी आ चुके हैं, और वापस आकर वो अभी बनारस में हैं। बनारस में चंद्रशेखर आचार्य नामक एक ब्राह्मण, उनके घर में चैतन्य महाप्रभु रहते थे। कहाँ रहते थे? चंद्रशेखर आचार्य करके एक ब्राह्मण है, उनके घर में श्री चैतन्य महाप्रभु निवास करते थे बनारस में। बनारस में वो वृंदावन जाकर चैतन्य महाप्रभु वापस आ गए थे, वापस आके वहाँ पर रुके हुए थे। मगर चैतन्य महाप्रभु का खाना पीना प्रसाद जो है वो तपन मिश्रा के घर में हुआ करता था। तपन मिश्रा भी एक बड़े ऊंचे कुल के ब्राह्मण है, उनके घर में खाते थे, मगर रहना जो है, उनका विश्राम जो है, निवास जो है, वो चंद्रशेखर आचार्य के घर में था। ये बात जो है श्रील सनातन गोस्वामी को पता लगा। जब श्रील सनातन गोस्वामी को पता लगा, श्रील सनातन गोस्वामी चंद्रशेखर आचार्य के घर के सामने जाकर बैठ गए एक जगह। तो देखो, दाढ़ी वगैरह बढ़ गया था, बाल भी बढ़ गया था, कपड़े एकदम टूटे फूटे, एक शॉल, एक ब्लैंकेट ओढ़े हुए थे, एकदम जीर्ण शीर्ण लग रहे थे, खाए नहीं थे, मुसलमान के जैसा दिख रहे थे। तो ऐसा लग रहे थे, वो एकदम बैठे हुए थे एक जगह, जैसे ऐसे जाकर बैठे हुए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु घर के अंदर चंद्रशेखर को कहते हैं कि चंद्रशेखर, देखो मेरे से मिलने के लिए एक महान भक्त आए हैं, मैं कब से उनका इंतजार कर रहा था। इस बात को सुनकर चंद्रशेखर बोलते, कहाँ प्रभु, ना देखो जाकर बाहर आए हैं मेरे से मिलने के लिए। चंद्रशेखर बाहर जाकर देखते, ढूंढते हैं इर्द गिर्द, सब जगह देखते हैं, कहीं कोई नहीं दिख रहा है। चैतन्य महाप्रभु तो बोले कि बहुत महान भक्त आए हुए हैं मेरे से मिलने के लिए, मगर कोई दिख ही नहीं रहा है। और वापस चले जाते हैं, बोलते हैं कि प्रभु कोई नहीं है वहाँ पर, मैंने तो पूरा छान मार लिया, मैंने चारों ओर से देख लिया, कोई तो नहीं है वहाँ पर। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि कोई होगा वहाँ पर जो मेरे को मिलने के लिए आए हैं, आप ध्यान से देखा? हाँ कोई नहीं है वहाँ पर, तो एक भिखारी बैठा हुआ है, मुसलमान भिखारी, वो भी एक ओढ़ कर एकदम जीर्ण शीर्ण होके। चैतन्य महाप्रभु बोला, अरे वो उन्हीं से तो मैं मिलने के लिए आतुर हूँ, उन्हीं को मैं वेट कर रहा हूँ, उनको लेकर आओ। तो तुरंत जाके चंद्रशेखर क्या करते हैं, वो सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि भगवान आपको अंदर श्री चैतन्य महाप्रभु बुला रहे हैं। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी अंदर आते हैं, चैतन्य महाप्रभु आके तुरंत ही सनातन गोस्वामी को आलिंगन करते हैं।
मगर श्रील सनातन गोस्वामी वो भगवान से आलिंगन करने के लिए दूर हट रहे थे कि हे भगवान, मेरा शरीर को स्पर्श करने लायक मैं नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं जीवन भर मुसलमान का काम किया हूँ, मुसलमान का सेवा किया हूँ, मेरा जीवन जो है व्यर्थ हो चुका है, मेरे जैसे पापी को आप मैं कैसे आपको स्पर्श कर सकता हूँ, ऐसे करके पीछे हट रहे थे। उनका नम्रता देखिए, सनातन गोस्वामी नम्रता का प्रतीक है असलियत में। तो वहाँ पर लोग सीधा लंबा दंडवत करते हैं चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु आलिंगन करके बोलते हैं कि मैं अपने आप को पवित्र करने के लिए आपको आलिंगन कर रहा हूँ। देखो क्या भाव है, भक्त का नम्रता देखिए। वो कह रहे हैं कि हम योग्य नहीं है आपको आलिंगन करने का, आपको स्पर्श करने के लिए। और भगवान की महानता देखिए, वो कह रहे हैं कि हम तो आपको आलिंगन कर रहे हैं कि हमारा उद्धार हो जाए, हम पवित्र हो जाएं आपको आलिंगन करने से। भक्त इतने महान होते हैं, जो भगवान बोलते हैं कि आपका आलिंगन करने से हमारा हम पवित्र हो जाएंगे। क्या भगवान कभी पवित्र होंगे? क्या कभी अपवित्र रहते हैं? वो तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, जो भी उनके संपर्क में आता है, उनसे जो कुछ आता है वो पूर्ण हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है। ये गंगा नदी, जो गंगा नदी सदियों से संसार भर के पापियों का पाप को उद्धार करते आ रहा है, नष्ट करते आ रहा है, पूरा पापियों का तारण करते आ रहा है, ये गंगा नदी है क्या? भगवान की चरण कमलों को धोने वाला पानी मात्र है। तो सोचो, जिनका पैर धोया हुआ पानी संसार को उद्धार कर लेता है, ऐसे व्यक्ति की अपवित्रता की कहा क्या कहना। जिनके चरण कमलों के रज को प्राप्त करने के लिए शिवजी हिमालय छोड़कर आते हैं, यशोदा मैया के घर के आंगन में खड़े रह के बोलते हैं कि मैया लाला का दर्शन करवा दे और उनका चरण स्पर्श करवा दे करके, जिनके चरण कमलों की धुआ हुआ पानी को अपने कमंडलों में रखे हुए थे जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, ऐसे महान व्यक्ति वो कह रहे हैं कि आपको आलिंगन करने से हम पवित्र हो जाएंगे। ये आध्यात्मिक जगत के संबंध होता है भगवान और भक्त में। भौतिक जगत में इस प्रकार का संबंध बहुत कठिन है, ऐसा संबंध नहीं होगा। यहाँ का जो मालिक है वो हमेशा मालिक बने रहना चाहता है, यहाँ का जो नौकर है वो मालिक बनना चाहता है। यानी यहाँ सभी लोग मालिक बनने के चक्कर में हैं। मालिक हमेशा मालिक बनना चाहता रहना ही चाहता है और नौकर को लूटना चाहता है, नौकर मालिक को ठगना चाहता है और खुद मालिक बनना चाहता है। ये इस भौतिक संसार का दौड़ है। मगर आध्यात्मिक जगत में जो नौकर है और नौकर 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 ही बनकर रहना चाहता है ना, मगर जो मालिक है वो भी नौकर का नौकर बनने के लिए प्रयास करता है और उसी में वो आनंद लेता है। देखो श्री चैतन्य महाप्रभु वो कह रहे हैं कि सनातन का आलिंगन करने से मैं पवित्र हो जाऊंगा। वही कृष्ण लीला में देखिए, अर्जुन का रथ चलाने के लिए वो तैयार हो गए थे, अर्जुन की लात खाने तक के लिए तैयार हो गए थे, एक ड्राइवर का काम करने के लिए तैयार हो गए थे। वही कृष्ण लीला में देखिए, दुर्वासा जैसा ऋषि को अपने कंधे पे पलकी में बिठाकर और लेके जाया करते थे। ये भगवान और भक्त की महिमा है। ये संबंध जो है शाश्वत संबंध है। वहाँ मालिक भी सेवक बनने की आतुरता में रहता है, सेवक हमेशा सेवक बना ही रहना चाहता है, कभी वो मालिक बनना नहीं चाहता है। भौतिक जगत इसका उल्टा है। सनातन गोस्वामी के शरीर को स्वयं भगवान साफ किए, बोलते कि मैं झाड़ देता हूँ, तुम्हारा शरीर इतना पवित्र है। फिर कहते हैं कि देखो, तुम्हारा बहुत दाढ़ी मूंछ बाल सब हो गया है, ये सब शेविंग करवा दो। प्रभुपाद जी वहाँ पे लिखते हैं, भक्तों को हमेशा क्लीन शेव रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु को भी पसंद नहीं है कि बहुत ज़्यादा दाढ़ी रहे, बहुत ज़्यादा बाल रहे, हिप्पियों के जैसा दिखे, ऐसा पसंद नहीं था। इसलिए वो सनातन गोस्वामी को शेविंग वगैरह करने के लिए बोल दिए। गृहस्थों के लिए भी, अब वो काम काज करते हैं, वो टकला नहीं हो सकते हैं, मगर शिखा रखना कंपलसरी है। सभी गृहस्थों को शिखा रखना चाहिए। हाँ, और साथ साथ में उनका बाल जो है बहुत लंबे लंबे रख के एकदम से ऐसे स्टाइल से ये नहीं करना चाहिए, उनको छोटे छोटे कर देना चाहिए और शिखा ज़्यादा दिखना चाहिए थोड़ा सा पीछे। और विशेष रूप से मूंछ और दाढ़ी कभी नहीं रखना चाहिए गृहस्थों को। राजस्थान में तो अपना वो एक प्रथा है कि मूंछ रख के ऐसे ऐसे करेंगे उसको, राजस्थान में ऊपर उठा हुआ रहेगा ऐसा है कि नहीं? मगर अपना चैतन्य महाप्रभु अपने परंपरा में जो है मूंछ दाढ़ी ये सब रखना जो है अपना मना है, वो नहीं रखते हैं। चैतन्य महाप्रभु देखो, प्रभुपाद जी को इच्छा नहीं था, प्रभुपाद जी बोलते चैतन्य महाप्रभु का इच्छा नहीं था, सनातन गोस्वामी को कटवा दिए।
सनातन गोस्वामी जाके सेविंग कर लेते हैं, और सेविंग करने के बाद चंद्रशेखर उनको कपड़े देते हैं पहनने के लिए, बोलते हैं कि मैं नहीं पहनूंगा। फिर चैतन्य महाप्रभु खुश हो जाते हैं उनको देखकर, और तपन मिश्रा से मिलवाते हैं। तपन मिश्रा से मिलाते हैं, तपन मिश्रा बहुत खुश होते हैं सनातन गोस्वामी से मिलके, मगर तपन मिश्रा को बहुत दुख होता है कि अरे सनातन गोस्वामी इतना जीर्ण शीर्ण और फटे हुए कपड़े क्यों पहने हैं। वो गृहस्थ है ना वो लोग, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत नया कपड़ा लेकर आ गए कि प्रभु आप इसको पहनिए करके। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, आप अगर हो सके तो आपका पुराना धोती रहेगा ना उसमें से मेरे को एक दे दो, वो मेरे को काम में आएगा, प्लीज ये मुझे नहीं चाहिए। तो इस बात को देख के तपन मिश्रा दंग रह गए, उनकी नम्रता को देखकर, उनके वैराग्य को देखकर। तो चैतन्य महाप्रभु भी खुश हो गए, तो तपन मिश्रा पुराना धोती देते हैं, तो पुराना धोती को श्री चैतन्य श्री ल सनातन गोस्वामी पहनते हैं, और पुराना धोती पहनते हैं। फिर तपन मिश्रा के घर में प्रसाद महाप्रभु खाते हैं, तो महाप्रभु के बाद जो है उनको महाप्रभु का प्रसाद मिलता है पाने के लिए, महा प्रसाद। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का खाने के बाद भगवान सनातन गोस्वामी प्रसाद पाते हैं। वहाँ पर एक ब्राह्मण थे, तो वो ब्राह्मण क्या करते हैं, वो सनातन गोस्वामी को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु प्रतिदिन हमारे घर में भोजन करिएगा, क्योंकि जो इतने बड़े वैराग्य ऐसे संत, कौन बेचारा नहीं चाहेगा कि अपने घर में उनको प्रसाद के लिए बुलाए। एक्चुअली गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि उन्हें चाहिए कि संतों को अपने घर में इन्वाइट करें, क्योंकि वो जो वैरागी होते हैं संसार को त्याग कर वो भगवान की सेवा में अपना जीवन निछावर किए हुए रहते हैं, वो जो भी अपने घरों में आते हैं ऐसे व्यक्ति जो अपना 24 घंटा भगवान की सेवा में, भगवान के काम में, भगवान की कथा कीर्तन में बिताने वाला व्यक्ति हमारे घर में पैर रखता है, तो हमारा गृहस्थ धन्य हो जाता है। इसलिए घर गृहस्थ व्यक्ति जो संतों को अपने घर में इन्वाइट करने के लिए प्रयास करते हैं, और संतों को घर में बुलाना चाहिए, नहीं तो महीने दो महीने में घर में उनको बुलाना चाहिए, उनको प्रसाद के लिए इनवाइट करना चाहिए घर में, उनको आवश्यकता के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार प्रसाद देना चाहिए, हमारे क्षमता के अनुसार छाता, जूता, कपड़ा, दक्षिणा ऐसे कुछ उनको प्रदान करना चाहिए। इससे हमारा गृहस्थ जो है ना वो सवर जाता है, वो पवित्र हो जाता है परिवार। तो इसीलिए वो ब्राह्मण सनातन गोस्वामी को कहे हमारे घर में प्रतिदिन भोजन पाइए, इतना अच्छा मौका है कि हमारे घर में प्रतिदिन भोजन आप पा सकते हैं। मगर सनातन गोस्वामी मना कर देते हैं, बोलते कि नहीं, मैं प्रतिदिन भोजन जो है मधुकरी करके लूँगा। मधुकरी का अर्थ होता है भिक्षा मांगकर। सनातन गोस्वामी क्या करते थे, प्रतिदिन एक दो घर पे जाते थे, भवती भिक्षा आम देही, जो भी उनको मिल जाता था उतना खाकर वो भगवान चैतन्य की सेवा में और कथा कीर्तन में लगे रहते थे बनारस में। सोचो कितना बड़ा विद्वान, सारस्वत कुल का ब्राह्मण, नवाब हुसैन शाह के प्रधानमंत्री, जिनके पास नाव भर के सोने की मुद्राएं हुआ करता था, नौकर चाकर हुआ करते थे, बड़ा महल हुआ करता था, ऐसा व्यक्ति आज वो क्या कर रहा है, घर घर मांग कर वो खा रहा है। कोई व्यक्ति सोचेगा क्या रे कितना सनी पकड़ लिया इसको ग्रह खराब हो गया इसका। एक्चुअली ये लोग के पास सभी प्रकार का ऐश्वर्य को उन लोगों ने यूँ निछावर कर दिया, यूँ त्याग दिया, केवल जो लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए। तो इस प्रकार से वैराग्य को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु हृदय से बहुत प्रसन्न हो गए कि सनातन कितना वैरागी हैं, सनातन का बहुत गुणगान किए, और गुणगान करके सनातन को देखें, और सनातन गोस्वामी को देखते देखते उनके कंधे में एक कंबल था, याद है ना, ब्लैंकेट कौन दिया था ब्लैंकेट उनको, हाँ नाम याद है ना उनका, श्रीकांत उनका दामाद दिया था वो ब्लैंकेट को। चैतन्य महाप्रभु जस्ट ऐसा देखे और कुछ बोले नहीं, चले गए। सनातन गोस्वामी तुरंत समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु को पसंद नहीं कि एक नया ब्लैंकेट मेरे शरीर पे रहे, इसलिए उन्होंने क्या किया, गंगा के तट पे गए, घाट पे, वहाँ पे एक बंगाली भक्त है, वो वहाँ पर अपना कपड़ा धो रहा था फटा हुआ, उसको बोलते कि अरे भाई आप क्या करो, मेरा ये नया ब्लैंकेट है, आप ये ले लो और आपका ये फटा हुआ मुझे दे दो। वो बंगाली भक्त कहता है क्यों महाराज, क्यों मजाक कर रहे हो यार, लेकिन नहीं नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में बोल रहा हूँ कि आप ये ब्लैंकेट जो है
मेरा आवाज आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ, वो यहाँ पे ना करंट चला गया, लाइट, मैं इसलिए ये कर रहा था। हाँ, तो मैं बता रहा था कि सनातन गोस्वामी तुरंत समझ गए कि अरे अरे ब्लैंकेट जो है चैतन्य महाप्रभु को पसंद नहीं है। हाँ, तो अभी सनातन गोस्वामी समझ गए कि श्री चैतन्य महाप्रभु को ये नया ब्लैंकेट पसंद नहीं है, तो इसलिए उन्होंने उनको दे दिए। तो वो बंगाली भक्त जो है उनका नया ब्लैंकेट ले लिया और उनका फटा हुआ दे दिया, और फटा हुआ पहन के चैतन्य महाप्रभु के पास आए। चैतन्य महाप्रभु देखकर मुस्कुराते हैं, तब कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, अभी आप संपूर्ण वैरागी हो गए, क्योंकि लोग कुछ खराब सोच सकते हैं। वैरागी होकर आप भिक्षा मांग के खा रहे हो और आपके कंधे में इतना महंगा और नया ब्लैंकेट, तो लोग क्या सोचेंगे, ये एक पाखंडी है, ये वैराग्य का ढोंग करता है, मगर जो लोग पैसा देते उसका ये भोग विलास में उड़ाता है, ऐसा सोचेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है वो नहीं चाहते थे कि वो ब्लैंकेट रहे। और देखो सनातन गोस्वामी कैसे भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु जो सोचते हैं, जो इच्छा करते हैं, वो पहले से समझ जाते हैं भगवान की इच्छा को, है ना। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी वहाँ पर रहे। फिर सनातन गोस्वामी जब वहाँ पर रहे, श्री चैतन्य महाप्रभु क्या किए, सनातन गोस्वामी के साथ वो गंगा के तट पर गए। गंगा के तट पर गए, श्री सनातन गोस्वामी क्या करते हैं, गंगा के तट पर श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न पूछते हैं। दांत में तिनका लेकर चैतन्य महाप्रभु के चरणों में वो दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम करके वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न करने लगते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न उत्तरिका से जो वार्तालाप है चैतन्य महाप्रभु का और सनातन गोस्वामी का, ये वार्तालाप भक्तों 2 महीना चला। कितना? 2 महीना। गंगा के तट पर सनातन गोस्वामी और श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच के वार्तालाप 2 महीना चला। तो ये 2 महीने में श्रील सनातन गोस्वामी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछते हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से सनातन गोस्वामी के सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और उस उत्तर के दौरान जो हमारा सिद्धांत है, हमारा जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत, गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी, हमारा गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी का नाम क्या है, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, आप लोग सुने होंगे, है ना। हमारे गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व है, ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व का बहुत ही सुंदर तरीके से व्याख्या श्री सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु करते हैं। ये शिक्षाएँ बहुत ही लंबा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हैं और बहुत ही तात्विक भी है, तत्व से भरा हुआ है। तो ये शिक्षाएँ असलियत में कई लगभग कुछ 5 ऐसे अध्यायों में हैं, सनातन शिक्षाएँ, उनको सनातन शिक्षा कहते हैं। एक किताब है प्रभुपाद जी का, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएँ हैं, उसमें सनातन शिक्षा करके विभाग है, उसमें संक्षेप में और बहुत अच्छी तरीके से प्रभुपाद जी लिखते हैं। ये ग्रंथ को प्रभुपाद जी ने ही लिखा था सनातन शिक्षा करके। तो वो ग्रंथ को अगर आपको मिलता है तो आप उस ग्रंथ को जो है पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये ग्रंथ में बहुत सुंदर, तो ये शिक्षा जो है मैं संक्षेप में आप लोगों को बताने के लिए प्रयास करता हूँ। सबसे पहले सनातन गोस्वामी जो है भगवान को पूछते हैं कि प्रभु मैं कौन हूँ और इस संसार में मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूँ। ये प्रश्नों का उत्तर जो है ना हम लोग कल सुनने के लिए प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा।